आरजे पल्लवी पॉडकास्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज है फ्राइडे, एज प्रॉमिस मैं आप लोगों के लिए आज से शुरू करने जा रही हूँ ट्रू हॉरर यानी रियल हॉरर स्टोरीज। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? सबसे पहली बात कि आप लोग कैसे हैं, हेल्दी है कि नहीं? मेरा तबीयत बहुत ही खराब था एंड वेरी वेरी सॉरी लास्ट वीडियो के लिए कि लास्ट वीडियो का पोस्ट में थोड़ा सा देरी हो गया क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ही खराब था, लेकिन आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, सपोर्ट किया, उसके लिए मेनी मेनी थैंक्स। और आप लोगों के रिक्वेस्ट के चलते, आप लोगों के प्यार के चलते ही तो मैं लेकर आई हूँ मेरा ये ट्रू हॉरर स्टोरीज की ये सीरीज, यानी कि एवरी फ्राइडे अब से मैं रियल हॉरर स्टोरीज बोलने जा रही हूँ। दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 12, अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ऊपर से चेन्नई में हो रही है बहुत बहुत बारिश। बारिश के मौसम में हॉरर कहानी सुनना और सुनाना बहुत ही अच्छा लगता है ना दोस्तों? जरूर बताइएगा कमेंट में आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं, वो भी स्पाइन चिलिंग स्टोरी जो कि एकदम रियल हो। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ, उन्होंने ये भेजा है, मतलब ये भेजा नहीं है, एक्चुअली इन्होंने मुझे दिया है, स्पेशली दिया है अमितेश कुमार जी। जी हाँ, अमितेश कुमार जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैं स्टोरी सुनाने से पहले उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बता देती हूँ। अमितेश कुमार जी एक स्टोरी राइटर है, जी हाँ वो राइटर भी है, वो प्रतिलिपि में अपना स्टोरी प्रकाशित करते रहते हैं। अगर आप लोगों को उनका स्टोरी पढ़ना है तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं उनको जाके और स्टोरी उनका पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने ये एक रियल हॉरर स्टोरीज दी है जो कि उनके साथ घटा है, एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ है। एक्चुअली उनके साथ ये नहीं पूरा बोला जा सकता है, उनके साथ पूरा नहीं हुआ है क्योंकि ये कहानी किसी और का है, जुबानी अमितेश जी की है। जी हाँ दोस्तों, अमितेश जी जिन्होंने ये कहानी बताई है उनको उन्होंने हेल्प किया है, उन्होंने मदद की है इससे बाहर निकलने में। तो स्टोरी को प्लीज पूरा जरूर सुनिएगा क्योंकि बहुत ही स्पाइन चिलिंग, बहुत ही हॉरर स्टोरी है। स्टोरी का तो टाइटल और थंबनेल आप लोग पहले ही देख के समझ गए होंगे कि स्टोरी किस बारे में है, एक हाईवे के बारे में और एक हॉस्पिटल के बारे में, जो दोनों ही एक ही आदमी एक्सपीरियंस करता है। तो आप लोग प्लीज ये कहानी को प्यार दीजिए जितना हो सके और इसी तरह सपोर्ट कीजिए ताकि मैं एवरी फ्राइडे आप लोगों के लिए ट्रू हॉरर स्टोरीज लाती रहूं। हाँ, इसके पीछे हमारा फिक्शनल स्टोरीज भी चालू रहेगा क्योंकि ये चैनल जब मैंने शुरू किया था तो एज ए फिक्शनल स्टोरीज के लिए ही शुरू किया था, ट्रू हॉरर स्टोरीज के लिए नहीं, क्योंकि ट्रू हॉरर स्टोरीज का एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस बहुत कम लोग करते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई एक्सपीरियंस है जो कि आपके साथ हुआ हो, आपके पड़ोसी, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड सर्कल, किसी के साथ भी हुआ हो, तो आप लोग मुझे एज ए फेसबुक पेज या फिर मुझे ईमेल या फिर मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो प्लीज देरी नहीं करके आप लोग चालू कर दीजिए लिखना, अगर पता है तो, देरी क्यों कर रहे हैं। लेकिन प्लीज मैं एक आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि कहीं से सुन के, यानी कि कोई यूट्यूब चैनल से या फिर किसी इंटरनेट से कहीं से कॉपी करके मुझे मत भेजिए क्योंकि वो शायद उन लोग का ओरिजिनल हो, वो लोग हो सकता है कि मुझे कॉपीराइट दे दे। तो प्लीज इसीलिए किसी का सुन के या फिर किसी से कॉपी करके मुझे मत भेजिए। अगर आप लोगों को रियल ओरिजिनल पता है तो आप लोग ओरिजिनल भेजिए, यही मतलब एक्सक्लूसिव भेजिए ताकि मुझे भी पढ़ने में मजा आए और आप लोगों को सुनाने में भी मजा आए और आप लोगों को सुनने में भी मजा आए। तो चलिए देरी नहीं करके शुरू करते हैं आज की कहानी, मतलब आज तो कहानी नहीं है, आज तो घटना है जी। हाँ, आज घटना शुरू होने वाली है ट्रू हॉरर स्टोरीज की, तो मजे कीजिए। तो आज की जो घटना है वो है एक हॉन्टेड हाईवे और एक हॉस्पिटल को लेके। तो ये कहानी जिन्होंने लिखी है वो भेजी है अमितेश कुमार जी को। अमितेश कुमार जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने ये कहानी भेजी, ये कहानी दिया है मुझे पढ़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच अमितेश जी, आशा करती हूँ आगे भी मुझे आप इसी तरह से मुझे कहानी देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की जो घटना है।
मुंबई। मुंबई टू पुणे रोड। रात करीब 11 बजे का समय। मुंबई से पुणे की ओर जाता हुआ रास्ता। काले अंधेरे रोड पर एक पल्सर बाइक करीब 80 की स्पीड से दौड़े जा रही थी। बाइक पर एक लड़का बैठा हुआ था जिसके चेहरे पर हवाएं अपनी अंतिम ताकत से चपेड़े लगा रही थी। हवा की तेजी की वजह से बाइक चलाने वाले के आंखों में आंसुओं का पहरा बिछ गया था। बाइक सवार ने ब्लैक कलर की टी शर्ट और व्हाइट कलर की जीन्स पहनी हुई थी। बाइक की स्पीड कभी कम होती तो कभी ज्यादा होती। बाइक सवार के दोनों कानों में ईयरफोन लगे हुए थे जिसमें क्लासिक और 90 का गाना चल रहा था। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये गाना चलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और बाइक सवार से टकरा गया, जिसे बाइक सवार के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। बाइक सवार को देख ऐसा लग रहा था वो कोई 25 साल का युवक होगा। उसके चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी और वैसे ही मूंछ उसके चेहरे पर थी। बाइक सवार का एक सीधे रास्ते पर जा रहा था जिस रास्ते पर लाइट भी नहीं थी। आसमान में अर्धचंद्र निकला हुआ था और तारे टिमटिमा रहे थे। उस रास्ते के साइड में पीपल, बाबुल, बरगद और कहीं कहीं तो छोटी छोटी घास उगी हुई थी, पर बाइक सवार इन सब पर ध्यान ना देते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़े जा रहा था। और तभी कुछ ही दूरी पर एक मोड़ आया और जैसे ही बाइक सवार ने उस मोड़ पर अपनी बाइक मोड़ी, उसकी बाइक की रोशनी सामने लगे बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा हुआ था प्रेतवादी क्षेत्र। ये जगह काफी हॉन्टेड एवं वीराने में होने की वजह से यहाँ से लोग कम आवाजाही करते थे। उस रास्ते पर उस बाइक सवार के सिवा और कोई वाहन दिखाई नहीं दे रहा था। ये मुंबई से पुणे की ओर गुजरता रास्ता काफी बदनाम था इस पर होती अकल्पनीय घटनाओं की वजह से। अब बाइक सवार के सामने बस एक सीधा रास्ता था। आसपास की झाड़ियों से जुगनू हवा में उड़ रहे थे। रोड पर अजीब अजीब सी कर्कश भरी आवाज गूंज रही थी, पर बाइक सवार के कानों के ईयरफोन उसे इस समय बहुत मदद दे रहे थे। पर तभी बाइक सवार के फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड का अनन्या का कॉल आया। हाँ बोलो अनु, बाइक सवार ने फोन उठाकर कहा। कहाँ हो तुम और आज मुझसे मिलने भी नहीं आए? मैं तुमसे नाराज हूँ, अनन्या ने थोड़े गर्म लहजे में कहा। अरे पागल, मैं कंपनी के काम से बाहर आया था मुंबई में। जस्ट अभी निकला हूँ मुंबई से, अभिनव ने जवाब दिया। क्या तुम सच में पागल हो गए हो? वक्त देखो 11 बज रहे हैं, इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी, वहीं रुक जाते होटल में, अनन्या ने अभिनव को पटकार लगाते हुए कहा। अरे बाबा, मुझे लगा मैं तुमसे मिल पाऊंगा, अगर जल्दी आ गया तो। 9 बजे से निकला हूँ बाइक पर अपनी, अभिनव ने कहा। आर यू फूल, बाइक से आने की क्या जरूरत थी, अनन्या ने गुस्से में कहा। अरे यार, आज तुम्हें पता ही होगा ना, बस की हड़ताल है और कंपनी का काम कैसे ठप होने देता, अभिनव ने फिर से जवाब दिया। हाँ तो और अब कितना रह गया है पुणे का रास्ता, अनन्या ने शांत होते हुए पूछा। हाँ यार, अभी अगर मैं स्ट्रिक्ट रोड से आता तो मुझे करीब 4 घंटे लगते और उन 4 घंटों को बचाने के लिए मैंने मुंबई पुणे वाला रास्ता ले लिया। देखना करीब 3। हे भगवान, मैं तुम्हारा क्या करूं? अभिनव, तुमने पी तो नहीं है ना? तुम्हें पता है तुम जिस रास्ते से आ रहे हो वो प्रेतवादित रास्ता है, इतने पागल कैसे हो सकते हो? जल्दी से अपनी बाइक मोड़ो और वापस जाओ, अनन्या ने पूरे गुस्से में कहा। शांत हो जाओ मेरी जान और मैं सही सलामत आ जाऊंगा, प्लीज टेंशन मत लो, अभिनव ने बड़े ही शांत लहजे में कहा। तुम्हें क्या लगता है,
तुम गधे हो एक नंबर के। तुम आ फ्लैट पर, मैं बताती हूँ मैं तुम्हें, अनन्या ने गुस्से में कहा। देखो यार, अगर बच्चे को मारने की बात की ना तो बच्चा नहीं आएगा, फिर इधर ही किसी चुड़ैल की गोद में बैठकर निकल लूंगा फिर मैं। अभिनव ने अनन्या को चिढ़ाते हुए, अभिनव मैं तुम्हें सच में जान से मार दूंगी और बोल दूंगी अपने पापा से मुझे नहीं करनी किसी अभिनव से शादी, अनन्या ने चिल्लाते हुए कहा। अच्छा बाबा, माफ कर दो मैडम, और सीरियसली मैं ठीक हूँ यार, प्लीज हमारे होने वाले बच्चे का फ्यूचर पर तरस खा लो, अभिनव ने कहा। अच्छा ठीक है, कर दिया माफ, पर तुम कॉल कट नहीं करोगे अभी जब तक तुम पहुंच नहीं जाते, अनन्या ने अभिनव को वार्निंग देते हुए कहा। जी मैडम जी, अभिनव ने सर हिलाकर कहा। हेलो 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 अभिनव, और देखते ही देखते अगले ही पल नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अनन्या का कॉल कट गया। अभिनव ने अपने जेब से फोन निकालकर चेक किया तो उसमें नेटवर्क के टावर गायब हो चुके थे। अभिनव ने एक बार आंखें बंद की, उसकी आंखें की ओर अपने फोन को वापस अपनी जेब में डाल दिया। अनन्या ने बहुत बार अभिनव को फोन ट्राई किया पर नेटवर्क की वजह से अभिनव का फोन लगा ही नहीं। अभिनव ने करीब 15 मिनट का सफर तय किया होगा कि तभी उसे एक शरण कक्ष के पास एक आकृति खड़ी दिखी। शरण कक्ष यानी विविध सड़कों पर भारत सरकार द्वारा बनाए गए होते हैं, जहां पर गरीब लोग या बेघर लोग आसरा ले सके। वैसे ही उस शरण कक्ष में करीब 3 या 4 सीटें होगी, जिसमें से एक सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी। उसने गहरे जामुनी कलर की साड़ी पहनी हुई थी, उसके एक हाथ में त्रिशूल का लॉकेट था। उस लड़की के साइड में एक छोटा सा बैग उसके साथ था। अभिनव ने हिंदी मूवीज में देखा था कि भूत सफेद कपड़ों में होते हैं, इसलिए उसने बिना किसी झिझक के उस लड़की के पास बाइक रोक दी। क्या आप मुझे आगे तक छोड़ सकते हैं? अभिनव ने जैसे ही बाइक रोकी, उस लड़की ने गोली की तरह अभिनव पर सवाल चलाया। जी ठीक है, अभिनव ने सोचते हुए कहा। वो लड़की खड़ी हुई और अपना बैग उठाकर अभिनव के पीछे बैठ गई। अभिनव को भी देर हो रही थी तो उसने बिना कुछ बोले ही बाइक आगे की और बढ़ा दी। लड़की और अभिनव में खामोशी का रिश्ता बन गया था और दोनों चुपचाप इधर उधर देख रहे थे। हवाओं की वजह से उस लड़की की साड़ी का पल्लू लहरा रहा था और वो लड़की अपने चेहरे पर आती अपने जुल्फे को सवारने लगी। शुक्रिया आपका, अगर आप नहीं आते तो न जाने कब तक मुझे वहां बैठना पड़ता, लड़की ने कहा। जी कोई बात नहीं, वैसे आप इतनी देर वहां क्या कर रही थी, अभिनव ने आगे देखते हुए सवाल किया। जी मैं पास ही के गांव में टीचर हूँ, आज लेट हो गई तो बस निकल गई, लड़की ने कहा। लड़की का रीजन सही लगा तो अभिनव को उस पर संशय नहीं आया। अच्छा वैसे मैं अभिनव कश्यप हूँ, अभिनव ने कहा। नाइस टू मीट यू अभिनव, और मैं अनामिका शुभोकम, अनामिका ने कहा तो अभिनव मुस्कुरा दिया। गाड़ी करीब 20 मिनट आगे चली, वहां सामने एक नहर आ गई जिसके साइड में ही एक पगडंडी बनी हुई थी। अभिनव यहीं उतार दो, अनामिका ने अभिनव से कहा। अभिनव ने नहर के साइड में बाइक खड़ी कर दी। सुनो, जैसे ही अभिनव ने बाइक शुरू की अनामिका ने उसे रोक दिया। हाँ बोलिए, अभिनव ने कहा। अनामिका ने कुछ नहीं कहा, बस आगे आकर अपने हाथ में थमा हुआ त्रिशूल का लॉकेट अभिनव की एक हथेली पर रखा और उसको चुप रहने का इशारा कर मुड़कर चली गई। अभिनव को अनामिका का ऐसा बर्ताव कुछ समझ नहीं आया और उसने इग्नोर कर दिया। अभिनव ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे की ओर बढ़ गया। अब यहां से खुला रास्ता खत्म हो गया और गुप्त सन्नाटे वाला जंगल का हिस्सा शुरू हो गया। अभिनव ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी,
बाइक स्पीड करीब 90 पार कर गई और धीरे धीरे मौसम में ठंड बढ़ने लगी और जंगल के पेड़ों से होकर गुजरती हवाएं जब अभिनव को छू रही थी तब अभिनव को ठंड के कारण हुडहुडी होने लगी। अभिनव के हाथ बाइक चलाते चलाते एकदम से जाम हो गए और ठंड के कारण अभिनव के दांत किटकिटाने लगे और इतना सब कम ही था कि जंगल में से शियारों की रोने की आवाज उठने लगी और अभिनव को ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अभिनव की ठंड के कारण हालत पहले से ही खराब थी और तभी आसमान में बादल घिर आए, जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगी और अब आलम यह होगा कि जैसे ही आसमान में बिजली कड़कती अभिनव का दिल जोर से धड़कने लगता और तभी बारिश की बूंदें शुरू हो गई। अभिनव को खुद को कोसे या बाकी लोगों की तरह भी ये काम भगवान का होगा बोलकर उन्हें दोष दें। खैर, आगे और एक धुमावदार मोड़ आया और जैसे ही अभिनव ने बाइक को उस मोड़ से घुमाया उसे कुछ ही दूरी पर एक रोशनी का खंभा दिखा और एक आशा की किरण के साथ अभिनव ने बाइक को वहां ले आया। वो खंभा जहां था वहां से ठीक नीचे अभिनव को एक अस्पताल दिखाई दिया। अस्पताल करीब 2 मंजिला था और ऊपर की मंजिल का काम शायद चल रहा था क्योंकि उस मंजिल को बाहर से आधा पेंट किया गया था और बाहर का तूफानी आलम देख अभिनव ने कुछ देर वहां उस अस्पताल में आसरा लेने का मन बना लिया। अभिनव ने बाइक को खंभे के नीचे ही पार किया और अपने सर पर अपना बैग रखकर भागते हुए अस्पताल के अंदर आ गया। अंदर एक टेबल था और एक कुर्सी थी, उस पर एक लड़की बैठी हुई थी। लड़की करीब 24-25 साल की होगी। उसका चेहरा कुछ ज्यादा ही सफेद था, उसकी आंखों की कोण में हल्का लाल रंग भरा हुआ था। वो एक किताब पढ़ रही थी और उस किताब को पढ़कर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। अभिनव ने इधर उधर देखने लगा, अंदर से अस्पताल थोड़ा अजीब था, ना कोई पेशेंट और ना कोई डॉक्टर दिखाई दिया। पर तभी उस लड़की को जैसे किसी के आने के भनक हो गई हो वैसे ही उसने अपनी दोनों लाल आंखें उठाकर अभिनव को देखा। उस लड़की ने अभिनव से पूछा। अभिनव उसकी लाल आंखें देखकर थोड़ा सकपका तो गया पर फिर उसने अपने आप पर काबू कर लिया। सिस्टर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो बाहर का मौसम बहुत खराब हो गया है, मैं बस कुछ देर आसरा चाहता हूँ, अभिनव ने कहा। ठीक है, बैठ जाओ उस बेंच पर, सिस्टर ने कहा तो अभिनव आकर वहां उसी लकड़ी के बने बेंच पर बैठ गया। अभिनव ने अपनी दाई जेब से रुमाल निकाला और अपने गीले चेहरे पर जमी बूंदों को पोंछने लगा। अभिनव ने अपनी बैग निकाली और उसको टटोल कर देखने लगा, कहीं भीगी हुई तो नहीं है, पर बैग वाटरप्रूफ थी तो कुछ नहीं भीगा था उसमें का। अभिनव के चेहरे पर संतुष्टि का भाव आ गया। उसने अपना फोन निकाला, उसमें सिग्नल टावर नहीं थे पर अच्छा हुआ बैटरी फुल थी। अभिनव ने ईयरफोन में गाने लगाया और आंखें बंद करके गानों की फील लेने लगा। गाना चल रहा था, गुमनाम है कोई बदनाम है कोई किसको खबर कौन है वो अनजान है कोई। गाने के लफ्ज और लता मंगेशकर की सुरेली आवाज में अभिनव कहीं खो सा गया पर तभी अस्पताल में एक अट्टहास गूंजा। अभिनव ने आंखें खोली और यहाँ क्या, अस्पताल की रोशनी गुल हो गई थी। अभिनव ने देखा सिस्टर के पीछे ही 2-3 मोमबत्तियां जल रही थी और सिस्टर उसकी रोशनी में किताब में सिर गड़ाए बैठी हुई थी। अभिनव ने आवाज लगाई जो गूंजी भी खाली अस्पताल में, पर ये क्या, सिस्टर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अभिनव ने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और सिस्टर के पास पहुंच गया। अभिनव ने सिस्टर के हाथों में पकड़ी किताब को अपने एक हाथ से हटाई और अभिनव सकपक आ गया और पीछे हटा उसके पैर लड़खड़ा गए।
सिस्टर का आधा शरीर का हिस्सा जला हुआ था और उसके कपड़े भी उसके शरीर से चिपके हुए थे। सिस्टर का चेहरा भी आधे से ज्यादा जला हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और उसके पैर से कुछ कीड़े भी रेंग रहे थे। अभिनव का होश उड़ गए। उसने इतना भयावह दृश्य अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। सिस्टर अपनी जगह से उठी और अपनी जली हुई टांगों के सहारे अभिनव की तरफ बढ़ने लगी। अभिनव को जो वातावरण उसे सामान्य लग रहा था, अभी उसमें मांस जलने की बदबू फैल गई। सिस्टर एकदम से अभिनव के पास आई और जैसे ही अभिनव को छूने की कोशिश की, वो अभिनव को छू नहीं पाई। उसका जला हुआ शरीर किसी अनजान शक्ति के कारण दूर फेंका गया। अभिनव को समझ नहीं आया कौन उसकी मदद कर रहा है, पर तभी वो उड़ता हुआ टेबल आया और अभिनव के सर पर जा लगा। अभिनव वहीं गिर गया। अभिनव की आंख खुली, कोई उसे पुकार रहा था। अभिनव ने देखा सुबह सुबह का वक्त है और उसके सामने एक लड़का खड़ा है जिसके हाथों में एक बोतल है जिसका ढक्कन उस लड़की की दूसरी हथेली में है। शायद उसने पानी मारकर ही अभिनव को होश में लाया होगा। अभिनव ने देखा उसकी बाइक उसी के पैर पर गिरी थी। उस लड़के ने बाइक को सीधा खड़ा किया। तुम सही हो? उस लड़के ने अभिनव की ओर हाथ बढ़ाकर कहा। हाँ, पर कल रात वो अस्पताल, वो सिस्टर। अभिनव ने अपने सिर पर हाथ रखकर कहा। उस लड़के ने अभिनव की ओर बोतल बढ़ा दी। अभिनव ने बोतल खोली और थोड़ा पानी मुंह पर मारा और फिर पी लिया। बच गए तुम उस सिस्टर के हाथों, उस लड़के ने कहा। पर मैंने क्या बिगाड़ा है उसका, और वो क्यों लोगों को मार रही है? वो सिस्टर उसी अस्पताल में काम करती थी, पर एक दिन उसी हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर ने उसका रेप कर दिया और अपने गुनाहों को छिपाने के लिए उसे जिंदा ही जला दिया। उस लड़के ने बताया बहुत बुरा हुआ उसके साथ, पर उसने न जाने कितने मासूमों की जान ली। अभिनव ने कहा। हाँ, अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ, उस लड़के ने कहा और जाकर अपनी बाइक पर बैठ गया। थैंक्स, मैं अभिनव। अभिनव ने उसे अपना नाम बताया। और मैं अमितेश कुमार, कहकर उस लड़के ने बाइक स्टार्ट की और निकल गया। हेलो दोस्तों, अभी तक आप लोग सुन रहे थे अमितेश कुमार जी की दी हुई कहानी यानी भेजी हुई कहानी हॉन्टेड हाईवे और हॉन्टेड हॉस्पिटल। तो आप लोगों को शायद ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप लोग भी इस तरह से कहानी हम लोग मुझे भेज सकते हैं। जी हाँ, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप लोग मुझे फेसबुक पेज या फिर मुझे ईमेल या फिर मुझे इंस्टाग्राम में भी भेज सकते हैं। तो देरी नहीं, देरी मत कीजिए, जल्दी से कलम उठाइए और लिखना स्टार्ट। दोस्तों तो मिलते हैं अब नेक्स्ट कहानी के साथ, बहुत जल्द आने वाला एक न्यू और स्टोरी। तो मैं डिस्क्लोज करूंगी बहुत जल्द इस कहानी के बारे में, कम्युनिटी पोस्ट में भी डालूंगी। तो मिलते हैं तब तक, वो फिक्शनल स्टोरी रहेगी लेकिन फ्राइडे को एज यूजुअल रियल हॉरर स्टोरी आने वाली है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जरूर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।